नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे आर आर बी एन टी पी सी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 94। इसके पहले मैं आपको 93 मॉडल पर बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊपर आई का बटन देखा, जैसे आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए डेली रिविजन क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको टॉप 100 एमसीक्यू बताता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेली चार क्लास कंप्लीट हो गई है, 3 से 4 क्लास कंप्लीट हो गई है। आप उसका लिंक भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर मैंने जोड़ दिया है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो आप साथ साथ वो 100 क्वेश्चन भी करें और देखेंगे 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमने उसमें कट ऑफ 60 से 70 नंबर करा है, जिन भी स्टूडेंट के 60 से 70 नंबर से प्लस आएंगे, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और आप आसानी से स्टेज 1 क्लियर कर जाएंगे। चलिए आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी जीजीएस का मॉडल पेपर नंबर 94 शुरू करते हैं। पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं हर वीडियो में पुराने वीडियो से 2 से 3 प्रश्न भी रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। आपको पता नहीं, जो स्तनपायी होते हैं उनके उत्सर्जनीय उत्पाद जो मूत्र होता है उसमें अधिकता में क्या पाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स का। इसका सही उत्तर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फटाफट बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तंबाकू। देखिए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तंबाकू फसल का, जबकि जो गेहूं चावल इनका ज्ञान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में, बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर एक, घट जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर देंगे, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कम से कम 5 दोस्तों को या फिर 5 ग्रुपों पर आपको हमारे वीडियो को शेयर करना है जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सभी एक्टिवेट कर लेंगे, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रांची। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर। कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिंदु स्राव। क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, फटाफट बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सशेत्र का ऑप्शन नंबर डी, फेराड़े का नियम। देखिए बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और लुसाक का नियम, ये तीनों ही गैसों से संबंधित होता है, जबकि फेराड़े का नियम नहीं होता है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लेला अली किस खेल से संबंधित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। जो प्रसिद्ध मुक्केबाज है मोहम्मद अली, उनकी पुत्री लेला अली किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी। वो भी मुक्केबाजी से ही संबंध रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जल मर्मज्ञों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो चार जल मर्मज्ञों के नाम दे रखे हैं, इनमें से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डोवर जल मर्मज्ञ। कौन सी है? डोवर जल मर्मज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियाग्रा प्रपात है, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है नियाग्रा प्रपात? फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावो क्रिस्टेशियस किसका वैज्ञानिक नाम है? किस जानवर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेशियस? फटाफट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, मोर का। पावो क्रिस्टेशियस किसका नाम होता है? मोर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? आपको बताना ओर्लॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रिलो नाइट्राइल। किससे बनने वाला है? एक्रिलो नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका इस्तेमाल होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं? आपको बताना है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा, के रचनाकार कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। कौन है? इकबाल के द्वारा लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, कहाँ पर है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, फटाफट कमेंट आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। कहाँ पर है? जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? आपको बताने में से कौन सा रोग संक्रामक की श्रेणी में आता है, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों तैयार हो जाता है कम समय में, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। वैज्ञानिक कारण क्या है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? जो एंटर की होती है आपने देखा होगा, उसका अन्य नाम क्या होता है, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स का आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूट की। कौन सी की बोलते हैं उसको? हम एग्जीक्यूट की भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों का उद्देश्य, आपको बताना है एशियाई खेलों का क्या उद्देश्य, बताया हमने एशियाई खेलों का क्या उद्देश्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा आगे की ओर। क्या होता है? हमेशा आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से, आपको बताना है किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC। किसका संबंध होता है? HDFC संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। कहाँ पर स्थित है? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह, आपको बताना है कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारहास मूलक। किस पर आश्रित है? भारहास मूलक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, फटाफट बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी। किसकी? दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति, आपको बताना है कंप्यूटर का जनक कौन है, कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर का जनक, फटाफट बताएंगे। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज। कौन है? बैबेज, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। कहाँ पर होती है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होता है। आपको बताना उस क्षेत्र की पहचान, उस क्षेत्र का नाम बताना जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। देखिए फटाफट बताएंगे इसका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। कहाँ से प्राप्त होता है? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न हमारा, एथलेटिक को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? आपको बताना जो एथलेटिक होते हैं उनको इनमें से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, फटाफट बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब आप लिफ्ट में बैठे होते हैं तो आपको कब लगता है कि आपका भार बढ़ गया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो हमको क्या लगता है कि हमारा भार बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, किस वर्ष से शुरू गई थी भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SAPTA का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना आपको SAPTA। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव चलित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द्रव चलित ब्रेक जिसके किसके नियम पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे। किसपे? पास्कल के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, आपको बताना जो स्वचलित कलाई में अपन जो हाथ में घड़ी बांधते हैं स्वचलित खुद से चलती है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। किससे मिलती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको बताना फ्लशिंग मीडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। किससे जुड़ा हुआ है? लॉन से। तो दोस्तों आज मैंने आपको RRB NTPC जीके जिसका मॉडल पेपर 94 बता दिया है। इसके पहले कि अगर आपको हमारे 93 मॉडल पेपर देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप सारे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊपर आएगा बटन भी देखा है, और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि हमारी टॉप 100 की अगर आप देखना चाहते हैं रिवीजन क्लास जो चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको कट ऑफ भी बताता हूं, आपको 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 से 70 से अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे उसमें तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए आप वो भी देख लें, उसका भी लिंक मैंने कमेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया प्लेलिस्ट का, यहाँ पर आई के बटन पे भी उसका लिंक है, आप आई के बटन से भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और मैं आपको बता दूँ कि आपको इस मॉडल पेपर में 40 में से कितने मार्क्स आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया, अपना RRB जोन का नाम भी लिख दिया जिससे पता लगे कि आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है। दोस्तों नए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली, वो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करवा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।